इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुष्कर्म के आरोप में पिता को सजा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की रेवाड़ी से, दुष्कर्म के आरोप में पिता को सजा, आरोपी पिता को सजा हुई है, रेवाड़ी से खबर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया है, 25 साल की सजा सुनाई गई है नाबालिग बेटी से। 8 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा पिता, और आपको बताते चले कि पत्नी की मौत के बाद बेटी का टॉर्चर भी करता था पिता। और इसी कड़ी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये बड़ा फैसला, 25 सालों तक अब पिता जेल में रहेंगे। तो दुष्कर्म के आरोप में पिता को ये सजा सुनाई दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाई गई है 25 साल की सजा। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, नाबालिग बेटी से 8 सालों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा पिता, और पत्नी की मौत के बाद बेटी को टॉर्चर भी किया जाता था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। नाबालिग बेटी से 8 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है पिता ने। हालांकि अब यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ये पूरा मामला गया, जिस पर इस पूरे मामले में फैसला सामने आ चुका है, 25 साल की सजा पिता को दी गई है। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकार करती हुई ये तस्वीरें जो देखी गई है, जहाँ पर नाबालिग बेटी से 8 सालों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है पिता ने। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया, तो जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हुई और 25 साल की सजा सुनाई गई। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पिता को 25 साल की सजा सुनाई गई, अपडेट क्या है आपके पास? जी तरुण, हम बता दें कि जिस तरह के ये पूरा मामला था, कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला था। एक बेटी के साथ 8 साल तक दुष्कर्म किया गया लगातार, बेटी पत्नी की मौत के बाद तुरंत पिता ने दुष्कर्म शुरू कर दिया, 8 साल तक दुष्कर्म करता रहा, लगातार मारपीट करता था, धमकाता था। लेकिन जैसे ही बेटी कुछ बड़ी हुई, तो वह दो भागकर थाने पहुंचे, यहाँ पर उसने शिकायत, इसके बाद पूरा मामला मुकदमा दर्ज करके पिता को गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। ये मामला अप्रैल 2021 का है, इसमें कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए अब जो पिता है उसको 25 साल की सजा सुनाई, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से समाज में रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, इस तरह के उनको कड़ी सजा देने का भी काम किया है। जी बिल्कुल अमित, और ऐसे में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर दुष्कर्म के आरोप में पिता को ये सजा सुनाई गई है, 25 साल की सजा दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया, जहां पर पिता को सीधा जेल भेजा गया है, और वो भी 25 सालों के लिए, जहां पर नाबालिग बेटी से 8 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा पिता, और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, 25 साल की सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला लंबे वक्त तक चला। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक की।